रीना हसीन लड़कियों में से एक थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो देखते ही अपना दिल हार बैठा था। मैं उसे शादी करने के लिए मचल उठा था और उसके घर रिश्ते भेजने शुरू कर दिए। रीना के माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए जल्दी ही हाँ कर दिए। मैं बहुत खुश था, लेकिन रीना की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। एक शर्त यह थी कि शादी का फंक्शन शुरू 9 बजे होगा। रीना की बाकी और शर्तों को जानने का मुझे कोई और शौक नहीं था और ना ही मैंने उन्हें जानना जरूरी समझा। रीना ने मुझसे कहा भी था कि मेरी शर्तों को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं उसके इश्क में इस कदर पागल हो चुका था कि मैं उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो रही है। मैं जानता था कि रीना से शादी करके मैं कभी नहीं पछताऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद ही रीना से मेरी शादी तय हो गई। रीना के साथ मेरी शादी हो रही है यह सोच सोचकर मैं फूले नहीं समा रहा था। रीना इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया और हम दोनों की शादी हो गई और मैं उसे विदा करा के अपने घर ले आया। रात के 12 बजे रीना को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। रीना को देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं कमरे में पहुंचा और सुहाग की सेज पर बैठकर सोने की अंगूठी रीना को पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने जैसे उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा कि रुक जाओ, मेरी बाकी की शर्तें सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे सकते हो। रीना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया। मैं बोला, तुम औरत होकर तलाक की बात अपने मुंह से कैसे कर सकती हो। मेरी बात सुनकर रीना बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। मैं जो शर्त तुम्हें बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है, और वो शर्त यह है कि रात को तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, तब भी तुम मुझे रात में नहीं देखोगे और ना ही रात को मैं किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही मैं अपने कमरे में आ जाया करूंगी। तुम चाहो तो रात के अंधेरा होते ही मेरे कमरे में मेरे साथ आ सकते हो, नहीं तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। अपनी पत्नी के मुँह से अजीब से शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं बोला, रीना यह तुम क्या बेतुकी बातें कर रही हो, यह कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इस शर्त की वजह बता दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रात को तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। लेकिन बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चेहरा रात को क्यों ना देखूं? अगर मैं तुम्हारा यह चांद सा चेहरा नहीं देखूंगा तो मुझे चैन कैसे आएगा। मुझे लगा था कि रीना की कोई अदा है, शायद वो मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन वो तो बहुत सीरियस थी। रीना बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं सुबह होते ही तुमसे तलाक ले लूंगी। रीना की बात सुनकर मेरे होशो हवास गुम हो गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने सीरियस होते हुए कहा कि ठीक है, तुम जैसा खूबसूरत बीबी का मिल जाना ही बहुत है। मैं रात को तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, अगर तुम कहो तो दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, एक जज्बाती कदम था जो मैंने उस समय रीना की मोहब्बत में उठाया था, क्योंकि शादी के एक हफ्ते में ही मुझे मालूम हो गया कि यह शर्त निभाना कितना मुश्किल है। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता, कहीं डिनर पर जाना होता या दोस्तों की पार्टी में जाना होता तो रीना मेरे साथ नहीं जाती। धीरे धीरे यह बातें सब तरफ फैलने लगी कि मेरी बीबी अजीब है। कुछ लोगों ने इसे रीना की सराफा समझा तो कुछ लोगों ने अजीब अजीब किस्से बनाना शुरू कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। अब तो रीना ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी थी। उसने हमारे कमरे की सारी लाइट्स खराब कर दी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, रीना यह क्या हरकत है, यह सब क्यों कर रही हो। तो वो बोली, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात को कहीं तुम गलती से लाइट ऑन ना कर दो और कहीं मेरा चेहरा ना देख लो। रीना की ऐसी हरकतें देखकर अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। आखिर रीना के चेहरे में ऐसी क्या बात है जो रात को मैं उसके चेहरे को नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था मैं उस वादे पर अटल था। एक रात रीना बहुत ज्यादा परेशान थी, वो कभी अंदर आती कभी बाहर जाती। मैं समझ तो गया था कि रीना बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। अब मैं रीना की एक एक हरकत पर ध्यान रखता था। ऐसा लगता था जैसे रीना किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी नजरें गेट पर ही रहती या फिर फोन पर रहती थी। फोन आता तो भागकर फोन उठाती और हल्की आवाज में बात करने लगती थी। लेकिन हम दोनों के बीच शक जैसी कोई भी चीज नहीं थी।
इसीलिए मैंने उसकी बातें सुनने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि रीना किसी नए नंबर पर बात करती है। जिस नंबर पर वो बात करती है वो उसके मायके का नंबर नहीं था। उसी नंबर पर मैंने कॉल किया तो दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज आई थी। मैं सदमे की हालत में वही सोफे पर बैठ गया। मेरा तो चैन सुकून सब लूट गया था। मेरी बीबी खूबसूरत तो थी लेकिन शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो किसी और से प्यार करती थी। फिर मैंने सोचा डायरेक्ट रीना से बात करने से अच्छा है कि मैं खुद ही मामले के तह तक पहुँचूँ। जब पूरा मामला खुल जाएगा तो यह भी बात सामने निकल कर आ जाएगी कि मैं रात को रीना का चेहरा क्यों नहीं देख सकता। दिल में पक्का फैसला करते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन रोज की तरह मैं जल्दी घर आ गया। उस समय भी रीना घर में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखते ही वो हैरत से बोली, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? उसने कई सवाल कर डाले। उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्यों मुझे जल्दी घर में देखकर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मेरे जाने के बाद तुम ऐसा क्या करती हो जो मुझे देखकर परेशान हो गई? वो बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो इसीलिए हैरान थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो आदमी मेरा दोस्त था। इंस्पेक्टर की वर्दी में खड़ा मेरा दोस्त सुहैल था। सुहैल को सामने देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती थी। लेकिन काफी अरसे से मेरी सुहैल से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे यह तो पता था कि सुहैल हमारे इलाके में इंस्पेक्टर है लेकिन कभी उससे मिलने का समय ही नहीं मिल पाया। अचानक सुहैल को अपने सामने देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। लेकिन सुहैल नॉर्मल था, उससे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। वो आराम से मेरे गले मिला और बोला, कहाँ थे यार, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ यार बस काम में बिजी था। यह कहते हुए उसे मैं ड्रॉइंग रूम में ले आया। लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि सुहैल को कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, अभी तो रीना किसी का इंतजार कर रही थी और उसी वक्त डोरबेल बजी थी, तो क्या रीना सुहैल का इंतजार कर रही थी? मैंने सुहैल से यही बात कही कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? तो वो बोला कि हम पुलिस वाले हैं और हमें अपने इलाके के हर इंसान के बारे में पता होता है कि वो कहाँ रहता है। सुहैल की बात से मैं सहमत तो नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पर मेरा शक और बढ़ गया। मुझे शक हुआ कि जरूर रीना सुहैल का इंतजार कर रही थी। इन दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ रिश्ता है। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर मेरी बीवी रीना मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगी, कुछ ऐसा करूँगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर मैं अपने मन ही मन में दूसरी शादी की प्लानिंग करने लगा। लेकिन मैंने रीना पर कोई भी बात जाहिर नहीं होने दी। जो भी बात होती थी मैं अपने दिल में ही रखता था। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बात होती तो उसके सामने हमेशा नॉर्मल ही रहता था। अब मेरा अगला कदम यह था कि रात को मुझे रीना का चेहरा देखना है। अगर रात को रीना का चेहरा देख लेता तो सुहैल वाली समस्या भी सुलझ जाती। कमरे का बल्ब तो रीना ने खराबी कर दिया था, इसीलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। रीना कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही वो सोने के लिए बेड पर लेटी, मैंने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया जिससे कि वो भाग ना पाए। उसके बाजू को पकड़कर मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च जलाई और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरा चीख निकलते निकलते बची। हैरत की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। हिम्मत करके मैं बोला, रीना तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा, मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नफरत से रीना की तरफ देखा था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वो बोली, भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें मेरे ऊपर जो शक है वो दूर हो जाएगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो रोते रोते मेरे पैरों में बैठ गई और माफी मांगने लगी। मैं चाह कर भी रीना को दुत्कार न सका। मैं भी उसके पास बैठ गया और मैंने कहा, बताओ सारी सच्चाई क्या है, आखिर सुहैल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो रोते हुए बोली कि आप तो जानते हैं कि हमारा घराना कितना मॉडर्न है। मेरे मम्मी पापा मुझे नौकर नौकरानी के हवाले छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते थे। मुझे उनकी जरूरत होती थी तो वो मुझे पैसे और गाड़ियाँ थमा देते थे। लेकिन वो लोग यह बात नहीं समझते थे कि मुझे उनके पैसों की जरूरत नहीं है, उनके प्यार की जरूरत है। मेरी माँ मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती थी। कभी माँ से मिलने का दिल होता तो अपने दिल को समझा कर रह जाती थी।
मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया था कि मुझसे मिलने ऑफिस में मत आना, जब भी आओ तो पहले फोन कर देना, क्योंकि ऑफिस में मुझे हजार काम होते हैं। एक दिन माँ से मिलने को मैं बहुत बेचैन थी, सोचा फोन करने से क्या फायदा और ज्यादा देर भी हो जाएगी, इसीलिए मैं बिना फोन किए ही अपनी माँ से मिलने उनके ऑफिस चली गई। जैसे ही ऑफिस में गई तो मेरी माँ किसी और के साथ रंगरलिया मना रही थी। अपनी माँ का यह रूप देखकर मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई और मैंने इसका बदला कुछ इस तरह लिया कि मैं खुद ही नाइट क्लब में जाने लगी, अपने अंदर की उदासी को खत्म करने लगी। मैं पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती थी। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। ऐसा करके मैं अपने दिल को सुकून पहुँचाना चाहती थी, अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करके मैं खुद को नुकसान पहुँचा रही हूँ। मैं यह काम अपने दिल की तसल्ली के लिए करती थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मैं इस कंडीशन में पहुंच गई थी जहां पर आकर लड़कियां अपनी इज्जत को खो देती हैं। लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इज्जत बची रही, क्योंकि जब मेरी आँख खुली थी तो मैं अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कोई और नहीं था, कमरे में भी कोई नहीं था। कमरे की सजावट से लग रहा था कि किसी शरीफ लड़के का कमरा है। थोड़ी देर में वो लड़का आ गया जिसका वो कमरा था, और उस लड़के को देखकर मैं समझ गई कि लड़का वाकई में शरीफ है, क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो लड़का मुझसे बोला कि मैं किसी काम के वजह से रात में नाइट क्लब गया था, वहाँ पर आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए आपको अपने घर ले आया। आप ठीक तो है ना? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। मुझे उस लड़के से बेहद नफरत महसूस हुई। दाढ़ी वाले से तो मुझे वैसे ही बहुत नफरत है, और फिर मेरी माँ का चेहरा भी मेरे सामने आ गया। फिर मुझे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी, क्योंकि मेरी माँ भी शरीफ होने का ढोंग करती थी लेकिन शरीफ नहीं थी। वो लड़का मुझे घर तक छोड़ने आया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया और गेट से ही उसे वापस लौटा दिया। मेरी जिंदगी रूटीन पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वो लड़का मेरा अब भी पीछा करता था। मैं जहाँ भी जाती वो लड़का मेरे पीछे पीछे आता था। एक दिन मैंने उसे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तो मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मैंने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जहाँ जहाँ जाती थी वो लड़का मेरे पीछे पीछे आता था। अब तो मेरी सहेलियों ने भी मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी सहेलियां कहने लगी, इस लड़के से पीछा छुड़ाओ, देखो तो कितना अजीब लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अपनी सहेलियों के भड़काने पर मैंने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। एक बार जब वो मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उस लड़के से कहा, देखो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में क्या क्या कर सकते हो। मैंने उसे एक जगह का नाम बताया कि वहाँ पर मुझसे मिलने आओ, और वहाँ पर आकर मेरी सहेलियों को अपनी बहादुरी का नमूना दिखाना। वो मान गया। अगले दिन वो लड़का मेरी बताई हुई जगह पर आ पहुँचा। मुझे हैरत हो रही थी कि वो लड़का मेरी मोहब्बत में कहाँ तक पहुँच गया है, कि वो मेरी सारी बातें मान रहा था। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे वो लड़का मेरे करीब आया, पुलिस वालों ने आकर उसे दबोच लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। जब पुलिस वाले उसे जीप में डाल रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थी और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं और मेरे सहेलियां खिलखिलाकर हंस रहे थे कि एक लफंगे लड़के को हमने सजा दिलवा दी। अगले दिन मेरी सहेलियों ने कहा कि यार उस मजनू को जाकर देख तो आओ कि उसकी क्या हालत है। सहेलियों के भड़काने पर मैं उस लड़के से मिलने के लिए थाने पहुंची। जैसे मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी, मेरा दिल धक से करके रह गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। उसके सर से खून बह रहा था, आँखों के पास भी चोट लगी हुई थी, होंठ भी सूजे हुए थे। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही उस लड़के की आँखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। मुझे देखकर वो बोला, मैं अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया हूँ, तुमने मेरा चैन लूटा, मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं भी तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी रातें कभी सुकून से नहीं गुजरेगी, तुम भी हर रात दर्द से गुजरोगी और हर रात मुझे याद करके तड़पोगी।
उसकी बद्दुआ से मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने ज्यादा परेशानी का इजहार नहीं किया। मैं सुबह 8 बजे उस लड़के से मिलने गई थी। हम सब सहेलियों की आदत थी कि हम रात भर जागते थे और दिन भर सोते थे। मैं उस लड़के से मिलकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों के साथ खूब मौज मस्ती करने लगी। उस लड़के को बिल्कुल भूल गई थी। दोपहर को आकर मैं सो गई, लेकिन जब शाम को मेरी आँख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। धीरे धीरे यह जलन बढ़ती ही गई और रात होते होते मेरे चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। मैंने खुद का चेहरा शीशे में देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत हो चुका था कि मुझे खुद से भी नफरत हो रही थी। मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और उसी समय डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से दवा लेकर आई। चेहरे पर मैंने दवा लगाई, थोड़ा सुकून मिला, फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ कि इस बीमारी से भी मुझे छुटकारा मिल गया। लेकिन शाम होते होते मेरे चेहरे पर फिर से वही हाल हो गया। मैं जलन के मारे तड़पने लगी। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और उससे बहस करने लगी, तुमने मुझे गलत दवा दे दी है। मैंने दूसरे डॉक्टर के पास से दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को मेरे चेहरे पर भयानक जलन होती और मेरा चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाता। बहुत ज्यादा दाने मेरे चेहरे पर आ जाते। सुबह होते होते ठीक हो जाते थे। मैंने कई डॉक्टर बदल डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं समझ गई कि उसी लड़के की बद्दुआ का असर है। मैं उस लड़के को खोजने लगी कि काश वो लड़का मुझे मिल जाता तो मैं उससे माफी मांग लेती। पता नहीं वो लड़का किस हाल में होगा। सुहेल को मैंने इसलिए संपर्क किया था जिससे कि सुहेल उस लड़के को ढूंढकर मेरे सामने लाए और मैं उससे माफी मांग सकूं। लेकिन सुहेल अभी तक उस लड़के का पता नहीं लगा पाया है। पता नहीं वो लड़का कहां गया। रीना के मुंह से यह सारी कहानी सुनकर मैं हैरान रह गया था। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की कैसे क्या कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। चेहरे से इतनी मासूम और अंदर से इतनी खतरनाक। मैंने रीना के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना ज्यादा बदसूरत था कि देखा भी नहीं जा रहा था। और यह तकलीफ वो हर रात झेलती थी, ये उसके कर्मों की सजा थी जो उसे मिल रही थी। लेकिन अब रीना पर से मेरा एतबार उठ गया था। अब शायद ही मैं कभी रीना से मोहब्बत कर पाता। अभी मैं रात को उसका चेहरा नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझमें हिम्मत ही नहीं है उसका चेहरा देखने की। लेकिन एक अधूरा पंसा लगता है, एक खाली पंसा लगता है मेरी जिंदगी में। कभी कभी सोचता हूँ कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भगवान तो रीना के कर्मों की सजा उसे दे रहे हैं, फिर मैं क्या चीज हूँ जो उसे उसके कर्मों की सजा दो। हो सकता है वो लड़का कभी मिल जाए और रीना को माफ कर दे तो शायद उसकी सजा कम हो जाए। और उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि शायद मेरी जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।